अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग 4:15 बज रहे होंगे। हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद आज मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग बाहर निकल गए हैं। तो डेली तो मैं घर ही पे करती हूँ, लेकिन आज आलिया सारिया रहर जगी हुई थी तो सब लोग मिल के गए। तो देखिए अभी अंधेरा ही है, बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी एकदम फ्रेश। अगर आप थोड़ा सा भी सुबह में मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो दिन भर आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो देखिए आज हमारे कैंपस में आम का जो पेड़ है उसका आम टूट रहा है। तो ये आम्रपाली आम है, बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए कितने ढेर सारे हैं, इतना दो टोकरी निकला है अभी। आज है संडे और आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। तो यहाँ मैंने लगभग 1 kg के प्याज को जो है फाइनली चॉप कर लिया और मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो ये जो 1 kg प्याज है वो 3 kg चिकन के लिए, तो 3 kg चिकन ही डालूंगी मैं उसमें और 3 kg चावल ही का बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आलू भी डालूंगी क्योंकि इसमें बिरयानी में आलू बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आपको आलू को मैंने छील के इसे कट कर लिया है, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ आलू। अब इसमें मैरिनेशन के लिए तो मैंने यहाँ लगभग 3 tablespoon के लगभग भर भर के अदरक पेस्ट डाला है और 6 tablespoon के लगभग मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े टमाटर काट लिए, वो मैंने ऐड कर दिया। आलू जो मैंने कट किया हुआ था वो ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ मैं दही ऐड कर रही हूँ, तो दही लगभग 200 ग्राम है। तो इसमें आप और भी ज़्यादा दही डाल सकते हैं, 400 ग्राम के लगभग, लेकिन मेरे पास इतना ही था तो मैंने वही डाल दिया है। 6 tablespoon के लगभग मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। और मैंने यहाँ ऐड कर दिया 4 tablespoon के लगभग धनिया पाउडर, 2 tablespoon के लगभग मैं जीरा पाउडर डालूंगी और किसी भी ब्रांड का आप जो है इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दीजिएगा, आधा पैकेट। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है MDH का बिरयानी मसाला। और नमक इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप चाहें तो इसमें पुदीना धनिया सब भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैरिनेशन करने के लिए हम इसे मिक्स करके रख देंगे और कम से कम इसमें आधा घंटा इसे छोड़ देंगे। तो जो है मैरिनेशन किया हुआ चिकन का जो है बात ही अलग होता है, तो इसे कम से कम मिनिमम 5-1/2 घंटा तो हम छोड़ेंगे ही। तो देखिए 1/2 घंटा लगभग हमारा हो चुका है। तो जो हमने प्याज फ्राई कर लिया था उसी में मैं इसे ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी फिर से। तो ये जो आप चिकन बिरयानी बनाएंगे इन 3 kg चावल और 3 kg चिकन का, तो वो आपके लिए कम से कम 20-22 आदमी के लिए आराम से ये हो सकता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि इसका जो है पतीली का नीचे पेंदा का वो बहुत पतला है, इसलिए मैं पानी ऐड करूँगी। नहीं तो पानी ऐड नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि वो दही के पानी में ही कुक हो जाएगा। तो हमें इसे बस हाफ कुक करना है, ज़्यादा पूरा तरह से नहीं गलाना है क्योंकि बाकी ये दम पे भी गलता है। तो बस इस टाइम तक हम बस इस स्टेज तक ही हमें चिकन को पकाना है। मैं चावल पर बना लूँगी, तो चावल बनाने के लिए आप इसे उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाते बहुत ईजिली होता है, इसे फिर पसाना वसाना नहीं पड़ता, ये आराम से इसी तरह से बन जाता है। तो जैसे पुलाव बनाते हैं इसी तरह मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया, उसमें गर्म मसाला ऐड किया। मैं जितना चावल है उसको मैं इसका 2 गिलास कम पानी लेना है क्योंकि हमें चावल को जो है 80% ही पकाना होता है। चावल बन जाने के बाद यहाँ मैं लेयर लगा रही हूँ। तो यहाँ पहले मैंने चावल रखा, उसके बाद मैंने चिकन डाला। आप इसके धनिया पाए, ये पत्ती, गरम मसाला, फिर फ्राइड ऑनियन सब ऐड करके थोड़ा सा कलर, फूड कलर ऐड कर दिया। 1 पतीली में नहीं हुआ था, 1 छोटा पतीली में भी इतना चावल और चिकन को मैंने दम लगाया था लेयर लगा के। तो देखिए ये दूसरा लेयर लग रहा है, उसके बाद मैं इस पर चावल डालूंगी गरम, उसके ऊपर मैं गरम मसाला, फ्राइड ऑनियन, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च और टमाटर, इसे मैं मिनिमम फ्लेम पे इसे 15 मिनट तक के लिए बस इसे मैं दम पे लगा दूंगी। तो अब यहाँ मैं एक सूट है जो कि बहुत ही मोटा है और कोई भी इसे नहीं पहनेगा, तो इसके लिए मैं इसे सोफ़ा का कवर और कुशन का कवर बना रही हूँ। 3 सीटर सोफ़ा है तो बस उसी का ये कवर, मतलब कवर क्या बिछाने वाला उस पर बन रहा है। तो इसी के नाप का जो है इससे मैं नाप का काट इस तरह से कटा जाएगा। ऊपर की कुर्ती का कपड़ा है तो इससे हम इस पर बिछाने वाला काट लेंगे और उसी से थोड़ा 3 इंच इसकी चौड़ाई लेके हम इसमें पट्टी, जो चारों तरफ पट्टी या पाइपिंग जो कहते हैं, वो हम निशान लगा के थोड़ा लंबा लंबा काट लेंगे।
और ये शलवार का कपड़ा है, इसी कपड़े का हम कुशन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम कुशन का कवर रख के इस तरह से नाप लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही रफ कपड़ा था और मोटा, ये कोई भी नहीं पहन सकता, तो इसे अच्छा है कि ये इसका हम लोग बना लेंगे, जो कि अच्छा भी लग रहा था बनने के बाद और फिर चलेगा भी। और इसमें से जो कुर्ती का कपड़ा है उसमें से थोड़ा सा बचा है, तो हम कुशन में थोड़ा सा बीच में पट्टी लगाएंगे, तो उसी का काट रहे हैं। तो ये भी 3 इंच 3 इंच चौड़ा है, नाप के इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसको पट्टी लगा रहे हैं जो हमने बिछाने वाला सोफ़ा पे बनाया है, तो वो पहले हम नीचे वो रख लेंगे और उल्टा के साइड, और उसके बाद हम जो कपड़ा है जो बिछाने वाला उसको उस पर रख के अब हम इसे सिलाई मार लेंगे। फिर देखिए इस तरह से मोड़ के हम फिर सीधा करके मोड़ के इस तरह उस पर सिलाई मार लेंगे, तो ये हमारा पट्टी बन जाएगा। देखिए इस तरह से सीधा की तरफ हमने इस तरह से मोड़ लिया, अब हम इस पर सिलाई से ला लेंगे, तो ये हमारा पट्टी बन गया। अब ये बन रहा है कुशन का कवर, तो यहाँ मैंने इस पर सामने वाले साइड पे मैंने पट्टी लगा लिया इस तरह से चौड़ा, और पीछे वाले साइड, तो ये कपड़ा पतला था, तो कोई भी अब पुराना कपड़ा, तो ये चादर का हम लोग का पुराना सा कपड़ा था, वो मैंने इनके लिए लाइनर लगा लिया। जो है कुशन के पीछे वाला साइड का सिला रहा है कपड़ा, तो थोड़ा सा इसमें हम लाइनिंग लगा के सियेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पतला कपड़ा था, तो यहाँ मैंने पुराना चादर का था कपड़ा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और फिर पीछे दो साइड सिला होता है दो पार्ट में, तो वो एक पार्ट में इस तरह से मोड़ के कर रही हूँ। और ये आगे जो हमने पट्टी लगाई, तो अभी हमारा ये दूसरा कुशन कवर तैयार हो रहा है। तो ये 4 कुशन कवर एक सलवार के कपड़ा में हो गया था तैयार। इस तरह मुड़ के करना होता है, आप चाहे इसे तो पीछे चेन भी लगा सकते हैं या फिर इसी तरह खुला भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ खुला ही हुआ है हम लोग का। और इसके बाद मैं इसमें टसल बनाने के लिए ऊन से, मोटा ऊन से नीचे लगाने के लिए सोफ़ा का जो बैठने जो हमने बिछाने वाला बनाया उसी में, और ये मैं ग्लू गन से इसे चिपका रही हूँ। तो देखिए ये बनने के बाद इसका फाइनल लुक ये है, अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।